दिल्ली दंगे में 35 लोगों की जान गंवाने के बाद देश की राजधानी में अब एक नई तरह की राजनीति खेली जा रही है। सभी पार्टियां अपने दामन को पाक साफ बताते हुए दूसरे की आंचल को कालिख भरी दिखा रही हैं। इसी दंगे में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की भी हत्या कर दी गई थी। अब इस अधिकारी की हत्या पर भी सियासत हो रही है। आरोप प्रत्यारोप के इस खेल में अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा कि सच कौन बोल रहा है, लेकिन जिस तरह के विजुअल्स वायरल हो रहे हैं उससे देखकर पहली नजर में यही लग रहा है कि आपके करोड़पति पार्षद मोहम्मद ताहिर हुसैन पर यूं ही आरोप नहीं लग रहे हैं। हम साफ कर दे कि हम इस बात की कतई तस्दीक यानी पुष्टि नहीं करते कि विजुअल्स में हिंसा में उतारू भीड़ में शामिल ताहिर हुसैन ही है, क्योंकि सारा विवाद इसी विजुअल की वजह से गहराया है, इसलिए शक के सवाल खड़े हो रहे हैं। मुखड़ वाले के सामने जो है ना, उसके बगल में वो ताहिर, देखो देखो आ गया, वो ताहिर ही है, वही ज्ञान दे रहा है कि अब इधर से घुसो, ताहिर ही समझा रहा है कि अब कैसे घुसना है। हालांकि ताहिर सफाई दे रहे हैं कि उनके घर में सैकड़ों की तादाद में लोग जबरदस्ती घुस आए। उन्होंने खुद पुलिस से मदद मांगी, पुलिस ने उन्हें और उनके परिवार को रेस्क्यू किया, पूरे घर की तलाशी ली, कुछ नहीं मिला। इसके बाद वो जान बचाने के लिए किसी और के यहाँ पनाह ली। हम सब मारे जाते, हमने दंगे को रोकने का काम किया है। 24 तारीख को 11:30 बजे पूरी बिल्डिंग की तलाशी करा के सीनियर अफसर डॉक्टर AK सिंगला साहब, ज्वाइंट CP हमारे आलोक जी और वहाँ पे बहुत सारी पुलिस फोर्स के साथ स्थानीय लोगों के साथ मिलके पूरी बिल्डिंग की, पूरे मकान की, छत की, फ्लैट की तलाशी करा के उनके हैंडओवर करके हमें वहाँ से खुद दिल्ली पुलिस ने हटा दिया था। इस सफाई के बाद भी ताहिर के बयानों में झोलझाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता संजय सिंह बचाव में जो तर्क दे रहे हैं वो ताहिर से पूरी तरह से मैच नहीं खाता। संजय सिंह का दावा है कि पुलिस 8 घंटे देर से पहुंची, तब जाकर ताहिर हुसैन को जान बचाने का मौका मिला। जहां तक ताहिर हुसैन का प्रश्न है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया, उसको सुन लीजिए। लगातार जब उनके घर के अंदर भीड़ घुसी, उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सूचना दी है, 100 नंबर पे कॉल किया है, एक एक चीज की मीडिया को जानकारी दी कि किस तरीके से उनके घर के अंदर मॉब घुसी, और उन्होंने लगातार अपने को बचाने के लिए पुलिस वालों से मदद मांगी। 8 घंटे बाद पुलिस की मदद वहां पर पहुंची और पुलिस ने उनको वहां से निकाला। ताहिर हुसैन के घर से जिस तरह का हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है, ये सारी बातें सिद्ध करती हैं कि आम आदमी पार्टी के तमाम सदस्य संजय सिंह के नेतृत्व में दंगे करने के लिए उन्माद फैला रहे थे, हथियार बांट रहे थे और खून बहा रहे थे। पहली बार राजनीति में उतरे ताहिर एक बिजनेसमैन है। करावल नगर के नेहरू इनक्लेव के रहने वाले ताहिर की पैठ चांदबाग से लेकर शाहदरा तक है। कि कैसे पत्थर बरसा और कहां कहां मारो, देखो हाथ में खुद डंडा लेके और ये जा रहा है मारने के लिए, देखो हाथ में लाठी लेके बता रहा है, डंडे लेके कैसे मारने, ये सबको बता रहा है कि मारो सब जाके। हाँ यही कर ही रहा है, सारा काम इसी का है, ये सारा ताहिर करवा, देखो वो ट्रे में ले जा रहा है पत्थर भर भर के, देखो कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। ताहिर की इस वीडियो की असलियत तभी सामने आ पाएगी जब दिल्ली पुलिस इस मचे बवाल पर अपना मुंह खोलेगी। तब तक जितनी मुंह उतनी बातें की राजनीति चलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।